सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज आ चुके हैं न्यू बेहतरीन वीडियो के साथ, जिस वीडियो में बताने वाला हूँ, यदि आप इंस्टाग्राम के यूज़र हो और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करते हो और किसी भी पर्पज़ या रीज़न के कारण अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे डिलीट करना चाहते हो या डीएक्टिवेट करना चाहते हो, तो आज एकदम तो राइट वीडियो पर आयो। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ। 2 या 3 मिनट का प्रोसेस है, यदि आप वो प्रोसेस पूरा कर लेते हो तो 5 मिनट के अंदर अंदर अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिलीट कर चुके होंगे। तो गाइज होता क्या है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, जो इंस्टाग्राम है उसकी जो ऑफिशियल साइट थी जहाँ पर अकाउंट बंद होते थे तो मंथली वहाँ से 20 से 50 हज़ार अकाउंट जो डीएक्टिवेट किए जा रहे थे, इसलिए इंस्टाग्राम ने अपनी जो साइट थी वो ब्लॉक कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट प्लेटफॉर्म से अपने यूज़र घटें और 50 से 60 हज़ार मंथली यूज़र घटे, इसलिए वो साइट सारी की सारी उन्होंने ब्लॉक कर दी है। और इसी कठिनाइयों का सामना झेलते हुए पब्लिक को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें, कैसे डिलीट करें, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो गाइस इसी पर्पज़ के कारण मैं आज वीडियो बनाई है। यदि आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो गाइस 2 मिनट के अंदर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, आप चलते अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर। सो गाइस फाइनली मैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आपको मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाना, अपना इंस्टा ओपन कर लेना है। तो गाइस सिंपल मैंने इंस्टा ओपन कर लिया है। इंस्टा ओपन करने के बाद वो आईडी तुमको लॉगिन करनी है जो तुमको अकाउंट डिसेबल करना है। तो गाइस मेरे पे गलती से मेरा जो अकाउंट था वो दूसरा अकाउंट बन चुका था, जो मेरा रियल अकाउंट है ये अकाउंट है, ये जो मेरा फेक अकाउंट है गाइस ये मेरे से गलती से बना था, इसलिए मेरे को ये डिलीट करना है। तो मैं साइन इन कर देता हूँ। साइन इन करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चला जाएगा, जब इसमें लॉग इन हो जाए, लॉग इन होने के बाद जहाँ पर आपको प्रोफाइल दिख रही है वहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं गाइस आपको यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिख रही है, यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है। तो गाइस मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चला जाएगा और आपको 3 लाइन मिलेंगी, 3 लाइन पे आपको सिंपल क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, जैसे आप सेटिंग में जाओगे ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको हेल्प का सेंटर। तो सिंपल जैसे हेल्प पे तुम क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको अदर बहुत सारे इशू आ जाएंगे, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, हेल्प सेंटर, सपोर्ट रिक्वेस्ट, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हेल्प। जो है सिंपल आपको दूसरे नंबर का जो सेकंड पॉइंट है हेल्प सेंटर, उस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपसे जो ब्राउज़र है वो चूज करने के लिए मांगेगा, जौन सा ब्राउज़र आप यूज करते हो। तो गाइस मैं सिंपल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, आपको भी क्रोम कर लेना है। तो जैसे मैं क्रोम पर क्लिक करूँगा आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चला जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। आपको क्रोम पे से क्रोम में खोल लेना है ये पेज, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा क्रोम के अंदर। जैसे आप क्रोम के अंदर ट्रांसफर होंगे यहाँ आपको डालना है डिलीट माय अकाउंट। जैसे आप डिलीट माय अकाउंट डालोगे सब में ऊपर पहला ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट माय अकाउंट का, उधर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको ऑप्शन देखेगा हाउ टू डिलीट माय अकाउंट, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चला जाएगा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाउ टू डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन लिखी गई हैं कि गाइस कैसे कैसे आपको डिलीट करना है, कैसे नहीं डिलीट करना, कि एक बार डिलीट होने के बाद ये वापस नहीं आएगा। तो कुछ इसको चाहो तो इसको पढ़ सकते हो आप, लेकिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। तो गाइस मैं इसको देख सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन लिख रही है, लेकिन मैं बैक आ जाता हूँ नीचे की तरफ। जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीट योर अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर जो आपको दिख रहा है डिलीट योर अकाउंट, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम होती है आज के, मैं आपको मेन बता दूँ। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को। जैसे आप डिलीट अकाउंट करोगे तो उस पर क्लिक नहीं मारेगा, देख सकते हैं आज ऊपर जो गाइस ये लाइन चलती है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं इशू देखने को मिलेगा। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे, हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद इधर आपको ऑप्शन मिलेगा अपना अकाउंट डिलीट करें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो हिंदी में लैंग्वेज है हिंदी में मान लेगा। तो गाइस इज लिविंग फेसबुक, इधर ऑप्शन मिलेगा आपको लिविंग फेसबुक, इसमें आपको गो बैक का ऑप्शन मिलेगा, फॉलो लिंक का ऑप्शन मिलेगा। तो गो बैक बिल्कुल नहीं जाना, आपको फॉलो लिंक करना है। जैसे आप फॉलो लिंक करोगे आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चला जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, आपको इधर ऑप्शन मिलेंगे कंटिन्यू विद फेसबुक, कि आप वही इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हो जो तुम्हारे फेसबुक से लॉगिन है, या कोई अनदर अकाउंट जो तुम यूज कर लो। तो गाइस मेरा कोई फेसबुक का अकाउंट डिलीट जो उसमें मेन अकाउंट को मैं डिलीट करने वाला नहीं हूँ, जो मेरा गेस्ट अकाउंट था जो गलती से बन चुका था वो मैं डिलीट करने वाला हूँ। मैं सिंपल इसमें अपना नंबर फिल कर देता हूँ, नंबर फिल करने के बाद अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। गाइज मैं अपना मोबाइल का नंबर और पासवर्ड डाल देता हूँ, या आपका मोबाइल नंबर नहीं डालना था, इधर आपको यूजर नेम पूछता है, अगर यूजर नेम भी है तो ईमेल भी डाल सकते हो या मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। 3 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके अपने नीचे पासवर्ड डाल दो। गाइज मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल दिया और नीचे पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद इसमें नेक्स्ट प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद आपको सेव इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो गाइज मैं नोट नाउ कर देता हूँ, नोट नाउ करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चला जाएगा। देख सकते हैं यार डिलीट योर अकाउंट, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिखा देगा डिलीट योर अकाउंट इफ़ यू वांट योर ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम योर अकाउंट टेम्परेली डिसेबल योर अकाउंट, ठीक है गाइज। उसको सिंपल ऐसा लिखाई देगा, नीचे आपको डॉट मिलेंगे, डॉट पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है।
ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कोई रीजन चूज कर लेना किस रीजन की वजह से आप इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो गाइज मैं रीजन चूज कर लेता हूँ, मैंने कोई सा भी रीजन चूज कर लिया कि क्रिएट ए सेकंड अकाउंट। सेकंड अकाउंट के बाद इधर पासवर्ड मांगेगा कि आप दोबारा से पासवर्ड दो जिस अकाउंट को तुम डिलीट करना चाहते हो। तो मैं दोबारा से पासवर्ड डाल देता हूँ, गाइज मैंने पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद इधर आपको मिलेगा डिलीट सुजीत 001, ठीक है। इसमें सिंपल आपको मिलेगा इसे डेस्कटॉप साइड पे आपको लगा लेना है। तो मैं इसे डेस्कटॉप साइड पे लगा लेता हूँ। डेस्कटॉप साइड पे लगाने के बाद तो मैं बैक आ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोबारा से मैं जाके दिखा देता हूँ। जैसे मैं दोबारा से गया इसमें फिल कर देता हूँ मैं ऑटो फिल। तो वही सिंपल आपको एक रीजन चूज कर लेना, मैं रीजन चूज कर लेता हूँ क्रिएटेड सेकंड अकाउंट। और रीजन चूज करने के बाद इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। गाइज मैंने पासवर्ड डाल दिया और सिंपल आपको डिलीट सुजीत 001 ये जो यूजर नेम आ रहा है इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा www.instagram.abe, ठीक है। इस पर ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे तो आपका जो अप्रूवल है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज जो फाइनली आप देख रहे हो मेरा जो अप्रूवल है वो सबमिट हो चुका है। और आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ उसमें क्या दिखता है आपको। योर अकाउंट विल बी डिलीट ऑन October 10th, 2021, आज की जो तारीख है इस तारीख को मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। और नीचे आपको हेडिंग भी दी गई है, इफ़ यू चेंज योर माइंड, यदि आपका दिमाग चेंज हो जाता है या आपका मूड बदल जाता है तो लॉग बैक इन बिफोर देन एंड चूज टू कीप योर अकाउंट। यदि आपका दिमाग बदल चुका है कि जैसे भाई मेरा कोई पर्सनल उसमें डॉक्यूमेंट रह गया है, मेरे को वो लेना है, उसके बाद वो डिलीट करना है, तो यदि तुम 1 month के अंदर जैसे लॉग इन कर लेते हो रिटर्न तो ये दोबारा तुम्हारा चालू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम 15 से 20 दिन के अंदर या 1 month के अंदर, लास्ट होता है 30 दिन, अगर 30 दिन के अंदर से अपने द्वारा लॉगिन नहीं करते तो ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो गाइस जो मैंने सारा कुछ आपको प्रोसेस बताया एकदम रियल बताया, ठीक है। सारा कुछ आपको ऐसे फॉलो वाइज फॉलो करना है तो आपका अकाउंट 5 से 6 मिनट के अंदर आप डिसेबल हो जाएगा। और डिसेबल होने के बाद आप 1 month के अंदर पूरा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा यदि आप इसे लॉगिन नहीं करते। सो गाइस जो हमारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ध्यान रखना है ये आपका जो 1 month है, 1 month के अंदर आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा, जो सर्चेबल में नहीं आएगा। आपको कोई फ्रेंड या कोई भी व्यूवर्स आपके अकाउंट को सर्च करेगा तो एकदम वो सर्चेबल बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि होता क्या है वो थोड़ा सा बैकअप रखते हैं। कभी आपका मूड चेंज हो जाए, यदि आप कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट इस अकाउंट भूल चुके उसे लॉग इन करके रिटर्न ले सके। तो भाई थोड़ा सा आपको वेट करना है 15 से 20 दिन के अंदर। यदि आप 15 से 20 दिन के अंदर अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं करते हैं तो वो परमानेंटली के लिए अपना डिलीट हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक कर देना। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके घंटी की नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाले फ्यूचर टाइम में यदि हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन समय पहले मिल जाए। तो गाइज आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।